हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हमारे चैनल द एग्जाम टॉपर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम डेली करंट अफेयर्स के सेशन में बात करते हैं कि देश दुनिया में क्या रहा, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और हमारे नॉलेज की इंप्रूवमेंट के लिए क्या जानना जरूरी है, हम उसी के बारे में जानेंगे। आइए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। सिंह के 352वीं जन्म शताब्दी के अवसर पे कितने रुपए का स्मारक सिक्का चलाया गया? सही जवाब इसका 350 रुपए का। अभी हाल फिलहाल में हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा नई दिल्ली में गुरु गोविंद सिंह जी के 352वीं जन्म शताब्दी के अवसर पे 350 रुपए यानी 350 रुपए का सिक्का जो है वो चलाया गया है। और ये सिक्का जो है एक स्मारक सिक्का है, ठीक है, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म शताब्दी के अवसर पे चलाया गया है। अब यहाँ पे आप लोग दो तीन चीज और याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे, ठीक है। इसके अलावा ये ध्यान रखिए कि इनका जन्म जो है 1666 में बिहार के पटना साहिब में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन है यहाँ पे 75 रुपए का सिक्का। तो आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 75 रुपए का सिक्का कब चलाया गया था। 75 रुपए का सिक्का जो है वो पोर्ट ब्लेयर में चलाया गया था हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। और किसके स्मरण में चलाया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा पोर्ट ब्लेयर में आज से 75 साल पहले जो है वहां पे तिरंगा झंडा फहराया गया था, जिसके शुभ अवसर पे जो है 75 रुपए का सिक्का जो है इनके स्मरण में, इनके इनके सुभाष चंद्र बोस जी के स्मरण में 75 रुपए का सिक्का जो है चलाया गया था 75 वर्ष पूरे होने पे, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। 75 रुपए का सिक्का जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी के संबंध में है और 350 रुपए का सिक्का जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी के संबंध में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खेलो इंडिया युवा खेल के तहत सबसे कम उम्र का स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? सही जवाब है इसका अभिनव शाह। अभिनव शाह मात्र 10 वर्ष का है और ये खेलो इंडिया युवा खेलों के तहत जो अभी हाल फिलहाल में खेल प्रतियोगिता चल रहा है उसके अंदर सबसे कम उम्र का स्वर्ण पदक विजेता बन गया है, ठीक है। और याद रखिएगा अभिनव शाह जो ये स्वर्ण पदक जीता है वो 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में जीता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन जो है ये भी पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी का नाम क्या है। तो याद रखिएगा अभिनव शाह, और ये पहला ऐसा युवा बन गया है जिसने सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीता है, वो भी खेलो इंडिया युवा खेलों के तहत, ठीक है। तो ये 10 मीटर एयर राइफल से संबंधित है दोस्तों। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अभिनव शाह जो है वो पश्चिम बंगाल से संबंध रखता है, वेस्ट बंगाल से। और इसके अलावा ये भी आपको याद रखना है कि खेलो इंडिया युवा खेलो अभी जो खेल प्रतियोगिता चल रहा है इसके तहत जो है सबसे अधिक जो पदक जीता है राज्य वो है महाराष्ट्र, और सबसे अधिक इसने 37 स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र, जो अभी तक शीर्ष स्थान पे है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? सही जवाब है इसका उज्बेकिस्तान में। अभी हाल फिलहाल में पहली दफा भारत और मध्य एशिया देशों के बीच जो है एक वार्ता का आयोजन किया गया है, और ये वार्ता का आयोजन जो है वो उज्बेकिस्तान में किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा भारत और जितने भी मध्य एशियाई कंट्री हैं, जैसे कि हम लोग नाम ध्यान रखिएगा उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान, ये जितने भी मध्य एशियाई कंट्री है इनके बीच और भारत के बीच पहली बार वार्ता का आयोजन किया गया है उज्बेकिस्तान में। और इसमें भारत की तरफ से जो नेतृत्व कर रही है वो हमारे देश के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी कर रही हैं, यानी भारत की तरफ से वार्ता में भाग लेने के लिए वो गई हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत मध्य एशिया वार्ता का उद्देश्य क्या है। तो भारत मध्य एशिया वार्ता जो है वो भारत और मध्य एशियाई कंट्रियों के बीच जो है व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया है, ठीक है। तो भारत और मध्य एशियाई जितने भी कंट्री हैं उनके बीच ट्रेड का बढ़ावा हो सके, अर्थव्यवस्था का सुधार हो सके, अर्थव्यवस्था का बढ़ावा हो सके, इसके लिए भारत और मध्य एशियाई कंट्रियों के बीच जो है एक वार्ता का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा भारत और मध्य एशियाई कंट्री का जो वार्ता हो रहा है उज्बेकिस्तान में इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया गया? सही जवाब इसका 12 जनवरी को। 12 जनवरी को हाल फिलहाल में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया है। और ये युवा दिवस किस लिए मनाया जाता है? तो इसी दिन हमारे देश के एक महान व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे हर वर्ष जो है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि ये परंपरा जो है 1984 से चलती आ रही है,
और ये 1984 से अभी तक कंटिन्यू है कि 12 जनवरी को जन जन जो विवेकानंद जी का जन्म दिवस है उनके अवसर पे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक दो पॉइंट्स और याद रखिएगा। हम लोगों ने बात किया है विवेकानंद जी के बारे में, तो स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है वो 1863 को हुआ था। ठीक है, 12 जनवरी 1863 को, और स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा एक संस्था का स्थापना भी किया गया था जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा पहली बार मिशन गगनयान कब भेजा जाएगा? सही जवाब है इसका दिसंबर 2021 में। दिसंबर 2021 में पहली बार इसरो के द्वारा मिशन गगनयान भेजा जाएगा। और इस मिशन गगनयान का उद्देश्य क्या होगा? तो पहली बार मानव को स्पेस में भेजने के लिए मिशन गगनयान का जो है यूज किया जाएगा। ठीक है, यानी मिशन गगनयान के द्वारा जो है पहली बार स्पेस में भारत के द्वारा मानव को भेजा जाएगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसके अलावा आप लोग ये भी याद रखिएगा कि भारत के अलावा तीन और कंट्री है जिसने ऑलरेडी पहले स्पेस में मानव को भेज चुका है, जिसमें चीन, रूस और अमेरिका है। याद रखिएगा, चीन, रूस और अमेरिका, ये तीन कंट्री ऑलरेडी पहले इस मिशन गगनयान के तहत जो है मानव को अंतरिक्ष में भेज चुका है। इसरो जो है हमारा देश चौथा ऐसा कंट्री बन जाएगा जो इस प्रकार का कारनामा करने वाला कंट्री हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, मिशन गगनयान जब भेजा जाएगा वो तिथि है दिसंबर 2021 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेणुका जी बांध परियोजना को मंजूरी दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका हिस्सा नहीं है? सही जवाब है इसका मध्य प्रदेश। अभी हाल फिलहाल में रेणुका जी बांध परियोजना को मंजूरी दिया गया है और इस बांध परियोजना में टोटल जो है वो 6 राज्य शामिल हैं, जिसमें से दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो ये रेणुका जी बांध परियोजना जो है इन 6 राज्यों में चलाया जाएगा। और इन 6 राज्यों में जो यमुना और उसकी 2 सहायक नदियां हैं, यमुना और 2 इसकी सहायक नदियां हैं गिरी और टोंस, इन दोनों के ऊपर ये परियोजना जो है चलाई जाएगी। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। और इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो इस परियोजना का उद्देश्य है जो इसके अगल बगल के जितने भी राज्य हैं जैसे दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और यूपी, इन राज्यों के मध्य जो है पानी का उपलब्धता करवा सके, यानी लगभग 23 क्यूसेक वाटर जो है इस परियोजना के तहत जो है राज्यों में पहुंचाया जाएगा। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि इस परियोजना के तहत जो बांध का निर्माण किया जाएगा उसकी ऊंचाई होगी 148 मीटर। ठीक है, 148 मीटर ऊंची बांध जो है इस परियोजना के तहत बनाई जाएगी। और इस परियोजना में यमुना के साथ साथ इसकी 2 सहायक नदियां हैं गिरी और टोंस, तो इन दोनों का नाम भी याद रखिएगा। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि रेणुका जी बांध परियोजना जो है वो किन राज्यों में चलाया जाएगा, किन राज्यों में बनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड, यूपी और एक है राजस्थान। ये 6 ऐसे राज्य है जिसके अंडर जो है रेणुका जी बांध परियोजना को मंजूरी दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस परियोजना का नाम बदलकर गिनीज वर्ल्ड हाल ही में किस परियोजना का नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? सही जवाब है इसका पोलावरम परियोजना। अभी हाल फिलहाल में पोलावरम परियोजना के बारे में हम लोगों ने बात किया था पिछले वीडियो में कि पोलावरम परियोजना जो है ये आंध्र प्रदेश में चलाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी है उसके ऊपर पोलावरम परियोजना चलाया जा रहा है। और इस परियोजना को जो है अभी हाल फिलहाल में सबसे पहले इस परियोजना को ख़त्म करने के लिए और सबसे पहले इसको पूरा करने के लिए इसका गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में पोलावरम परियोजना का नाम दर्ज हुआ है और इस परियोजना को जो है आंध्र प्रदेश में चलाया जा रहा है गोदावरी नदी के ऊपर। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, गोदावरी नदी को जो है वो दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, पोलावरम जो परियोजना है उसे हम लोग इंदिरा सागर परियोजना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
और एक चीज और याद रखिएगा यहाँ पे कि मंडल बांध परियोजना के बारे में हम लोगों ने बात किया था, तो आप लोगों को याद होगा कि मंडल बांध परियोजना जो है ये झारखंड में शुरू किया जा रहा है, और ये इस परियोजना को जो है वहाँ के जो नदी है नॉर्थ कोयल नदी उसके ऊपर चलाया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा सरदार सरोवर बांध परियोजना के बारे में याद रखिएगा, ये गुजरात का परियोजना है, ठीक है। तो इन सभी परियोजना के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। खास करके ये ध्यान रखिएगा कि मंडल बांध परियोजना किस नदी पर चलाया जा रहा है, कहाँ का है ये, और पोलावरम परियोजना किस नदी के ऊपर चलाया जा रहा है और कहाँ का है, और अभी हाल फिलहाल में इसे ही गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम इसका दर्ज किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 70 पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? सही जवाब है इसका मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा अभी हाल फिलहाल में 70 पॉइंट्स ग्रेडिंग इंडेक्स लॉन्च किया गया है, और इस इंडेक्स का उद्देश्य होगा हमारे देश में जितने भी राज्य है उसकी स्कूली शिक्षा व्यवस्था को सुधार करना। यानी कहने का मतलब है कि 70 पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स के द्वारा जो है हमारे देश के जितने भी राज्य है वहाँ पे जितने भी स्कूल हैं उनका मूल्यांकन किया जाएगा, और उस मूल्यांकन में ये पता लगाया जाएगा कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, और उसके सुधार संबंधी सुझाव जो है इस इंडेक्स के द्वारा दी जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 70 पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स का उद्देश्य है राज्यों के स्कूलों के शिक्षा व्यवस्था को सुधारना, ठीक है। राज्यों के स्कूलों के शिक्षा व्यवस्था को सुधारना, उसका मूल्यांकन करना, और जो कमी रह गई है उसके ऊपर रिपोर्ट पेश करके उसको सुधारने के लिए सुझाव देना, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, और इसको लॉन्च किसने किया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। अब हम लोगों ने बात किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बारे में, तो याद रखिएगा अभी हाल फिलहाल में हमारे देश के मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का क्वेश्चन है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2018 में भारत का रैंक क्या है? आपके ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, आपको नीचे कमेंट करके बतलाना है कि डेमोक्रेसी इंडेक्स 2018 में भारत का रैंक क्या है। कल के प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, जो प्रश्न था किस शहर में गंगा जल परियोजना प्रारंभ किया गया है? सही जवाब है इसका इनमें से कोई नहीं, गंगा जल परियोजना जो है वो लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के आगरा में गंगा जल परियोजना जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।